पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च कर दी गई है। ख्वातीन किसी भी जगह, बस स्टॉप, शॉपिंग मॉल या सड़क पर खुद को गैर महफूज तसव्वुर करें तो पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए फौरी मदद हासिल कर सकती हैं। ख्वातीन को फौरी मदद फराहम करना पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए वर्किंग वुमेन और घरेलू ख्वातीन दोनों मुस्तफेद हो सकती हैं। विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए सिंगल क्लिक से इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर फौरी रब्ता किया जा सकता है। विमेन सेफ्टी ऐप को एंड्रॉइड सारिफ गूगल प्ले स्टोर और iOS सारिफ ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर सर्च बार में पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप सर्च करेंगी तो स्क्रीन पर विमेन सेफ्टी ऐप का आइकन नमूदार हो जाएगा, जिस पर क्लिक करने से ऐप डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद ओपन पर क्लिक करने से ऐप का रजिस्ट्रेशन पैनल स्टार्ट हो जाएगा। ऐप की इंस्टॉलेशन के बाद रजिस्ट्रेशन पैनल आएगा। पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर का इंदराज करें। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके नंबर पर 5 हिंसों पर मबनी OTP मैसेज के जरिए भेजा जाएगा। OTP का इंदराज करें, आपके सामने बायोडाटा के इंदराज के लिए स्क्रीन नमूदार हो जाएगी। अपने बायोडाटा का इंदराज करने के बाद अपने करीबी फैमिली मेंबर का ईमेल ID और फ़ोन नंबर दर्ज करें और सबमिट के बटन पर क्लिक करें। जब भी आप इस ऐप के जरिए 15 पर कॉल करेंगी तो आपके फैमिली मेंबर को ऑटोमेटिकली अलर्ट भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास मेन मेन्यू नमूदार हो जाएगा। मेन मेन्यू में सबसे पहली ऑप्शन अलर्ट बटन 15 की है, जो हंगामे सूरत हाल में पुलिस और फैमिली मेंबर्स को अलर्ट भेजेगा। 15 बटन दबाने पर आप फौरन इमरजेंसी 15 एजेंट से कनेक्ट हो जाएंगी और आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डर से भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। अलर्ट बटन के साथ लाइव चैट की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप किसी ऐसी सूरत हाल में हैं कि कॉल पर बात नहीं कर सकती तो लाइव चैट ऑप्शन के इस्तेमाल से मैसेज लिखकर हमारे नुमाइंदे से बात कर सकती हैं। लाइव चैट के अलावा विमेन सेफ्टी ऐप में वीडियो कॉल का ऑप्शन दिया गया है। अब आप वीडियो कॉल के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकती हैं। एमरजेंसी की सूरत में विमेन सेफ्टी ऐप में फोन शेक का फीचर मुतारफ करवाया गया है। मोबाइल शेक विमेन सेफ्टी ऐप का एक ऐसा मुनफरिद फीचर है जिसके जरिए SOS अलर्ट जनरेट होगा, जिसको यस करने पर आपके फैमिली मेंबर और पुलिस 15 पर अलर्ट मौसूल हो जाएगा। स्मार्ट लोकेशन शेयरिंग के जरिए उबर, क्रीम, इन ड्राइव या किसी भी निजी टैक्सी सर्विस के इस्तेमाल पर आप मुतल्लिका टैक्सी सर्विस, ड्राइवर का नाम, गाड़ी नंबर और अपनी डेस्टिनेशन का एड्रेस दर्ज करेंगे। आप ये तफसीलात अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में व्हाट्सएप के जरिए भी शेयर कर सकती हैं। ट्रैक माई जर्नी फीचर की बदौलत आप अपना रूटीन का रूट सेव कर सकती हैं और अपने रूट को ट्रैक भी कर सकती हैं। ट्रैकिंग रूट ऑप्शन की बदौलत सफर के दौरान 1 किलोमीटर डेविएट होने पर आपके फैमिली मेंबर को अलर्ट मौसूल हो जाएगा। विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप की 40 से ज्यादा सर्विसेज से भी इस्तेफादा कर सकती हैं, जिसके जरिए आप पुलिस खिदमत मरकज के तमाम सर्विसेज से इस्तेफादा कर सकती हैं। इसके अलावा ट्रैफिक की सर्विसेज में लर्नर लाइसेंस, लाइसेंस रिन्यूअल, इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह के लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, चोरियों बरामद शुदा गाड़ियों की मालूमात, मेरा प्यारा और दीगर सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंजाब हाईवे पेट्रोल, रेस्क्यू 1122, मोटरवे पुलिस और साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर भी राब्ता कर सकती हैं। मोर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी जगह का जायजा लेने के लिए लोकेशन रिव्यू का इंतखाब करें। यहाँ आप दीगर खवातीन की जानिब से इस मुकाम के बारे में दी गई राय देख सकती हैं। इस फीचर के जरिए आप किसी भी जगह के बारे में महफूज, जुज़वी तौर पर महफूज और गैर महफूज होने के हवाले से अपना फीडबैक दे सकती हैं, ताकि दीगर खवातीन इससे इस्तेफादा कर सकें। माई करंट लोकेशन के जरिए आप अपनी मौजूदा लोकेशन और पुलिस स्टेशन मालूम कर सकती हैं और इसे अपने कॉन्टैक्ट्स में भी शेयर कर सकती हैं। वुमेन सेफ्टी ऐप अदर हेल्प कॉर्नर में IGP कंप्लेंट सेल, पंजाब भर के तमाम तहफ्फुज मराकज, पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, खातून मोहतसब शिकायत सेल और PTA फोन ब्लॉकिंग की सहूलियात मौजूद हैं। अवेयरनेस डॉक्यूमेंट की ऑप्शन में आप खातीन से मुतल्लिक कवानीन और आगाही दस्तावेजात उर्दू और अंग्रेजी जुबानों में देख सकती हैं।